बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस एक्सेल के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं ऑटो सम का फार्मूला। सम के फार्मूले पढ़ रहे हैं और इसके लिए शॉर्ट की भी हम पढ़ रहे हैं। आपके सामने मैंने एक शीट बनाई हुई है, आप नोट करें, यहाँ पर ये सम किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर 12 लिखता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर तब्दील हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं कुछ और लिखता हूँ तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली तब्दील हो रहा है। तो ये कैसे किया हुआ है, इसके लिए शॉर्ट की क्या है, ये बिल्कुल मैं एक न्यू शीट बना लेता हूं, वहां पर आपको यही चीज समझाता हूं। आपके सामने मैंने बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, मैं बिल्कुल शुरू से ये काम कर लेता हूं। ये देखें यहां पर मैंने सीरियल नंबर लिखा है, यहां पर नेम लिख लिया है, टैब वाले बटन से मैं आगे गया हूं। यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टैब से आगे यहां पर मैथ, और यहां पर मैंने टोटल लिख लिया है। इंटर प्रेस किया है मैंने, यहां पर 1, यहां पर 2, इन दोनों को सिलेक्ट करके इस कोने से पकड़कर मैं नीचे खींचता हूं, एक तरतीब भी आ रही है। यहां पर मैं कुछ नाम लिख लेता हूं जैसे फजल, अली, उस्मान, इंटर प्रेस करके नीचे आता हूं, बिलाल, जाहिद और इकराम। आपके सामने मैंने कुछ नाम लिख लिए हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, यहां पर मैं कुछ नंबर लिख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ नंबरिंग भी दे दी है। यहां पर भी ठीक है, मैं कुछ नंबर ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पर भी हमने कुछ नंबरिंग लिख ली है। सम के लिए अभी आपको 3 से 4 तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका, आप इन सब को सिलेक्ट कर लें और ऑटो सम। पहला तरीका यहां पर है ऑटो सम, आप नोट कर सकते हैं इन सब की जमा आ रही है। अगर मैं यहां पर ये देखें तब्दील भी करता हूं तो यहां पर आपने नोट करना है, ये देखें ये ऑटोमेटिकली यहां पर तब्दील भी हो रहा है। इसके लिए पहला तरीका आपको बताया कि आप इन सबको सिलेक्ट करके आप ऑटो सम करें। दूसरा तरीका आपको मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पर सिर्फ आपने क्लिक करना है, यहां पर ऑटो सम के ऊपर क्लिक करना है। कंप्यूटर अभी आपसे पूछ रहा है इसकी रेंज क्या है, रेंज ये देखें C2 और F2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहां से लेकर C2 से लेकर F2 तक, ये C2 ये शुरू वाला है और इस सेल का नाम है F2, तो यहां से लेकर यहां तक। अगर आप चाहते हैं सिर्फ इसकी जमा या इसकी भी आप जमा लेना चाहते हैं, मैं इंटर प्रेस करता हूं, ठीक है, हमारे पास आंसर आ रहा है। आप इस कोने के ऊपर आकर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तब भी ये देखें सबका आंसर आ रहा है, या आप इसको पकड़कर खींच भी सकते हैं। इसके लिए एक तीसरा तरीका, अगर आप यहां पर आ जाते हैं, ये बाजू का हमें रिक्वायर्ड होता है, हमें सबकी जमा नहीं चाहिए, तो ये मैनुअल करके आपको दिखा रहा हूं। इक्वल ये वाला सेल जमा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने छोड़ दिया है, और सिर्फ इसकी जमा और इसकी जमा। आप इंटर प्रेस करते हैं तो अगर आपको इस तरह से मैनुअल चाहिए हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये वाला सेल जमा ये वाला सेल जमा ये वाला सेल, और इसी को पकड़कर हम नीचे ड्रैग करते हैं तो ये देखें यहां पर भी आंसर आ रहा है। अभी आखिरी तरीका, अगर मैं ऑल्ट और इक्वल का निशान लगाता हूं, ऑल्ट और इक्वल का निशान ये शॉर्ट की है, मैं इंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर जवाब आ रहा है। यहां पर आकर इस कोने के अंदर डबल क्लिक करता हूं तो ये देखें इन सब का आंसर भी आ रहा है। ये हमने ठीक है सम का फार्मूला लगा लिया है। अगर मैं इस शीट को थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी दे देता हूं, यहां पर इस सब को सिलेक्ट कर लेता हूं, ऑल बॉर्डर्स दे देता हूं, इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूं, बोल्ड भी कर लेता हूं, फिर इन सब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, सेंटर के अंदर और मिडल के अंदर भी रख लेता हूं। इस लिखाई को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं राइट पर भी लेना चाहता हूं, और ये वाली लिखाई अगर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, ये हमारी हेडिंग है, तो यहां से आप कोई भी कलर इस तरह से दे सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।